तो फ्रेंड्स, स्कूल से आए हैं हम और अरुण माठ साहब, और गन्ने के जूस के ठेले पे खड़े हुए हैं। गन्ने का जूस पीने का मन है आज हम लोगों का। आज नींबू पुदीना लगा दे भाई, बढ़िया सा। दिल्ली तक जाके वीडियो तेरी है, देखो कितना बढ़िया गन्ने का जूस बना है भाई। ये बात लगा दिया पुदीना। नींबू तो यार बहुत महंगे हो रहे इस टाइम है, जूस में पड़ता आ रहा नहीं, बहुत महंगा पड़ रहा होगा इस टाइम तो जूस तो नहीं। नींबू तो भाई ने काट कर थोड़ा सा लगाया, देखो रख दिया, बाकी तो वहीं से। महंगाई का जमाना भाई। चलो मेरे भाई निकाल दे, 4-5 बजे पूरा निचोड़ कर रख दे। एक में नमक रहेगा, एक में नहीं रहेगा, ठीक है। अरुण माठ साहब का व्रत है मंगलवार का, इसलिए इन्होंने बिना नमक का लिया और मैंने नमक वाला। और ये लड़का जो पीछे खड़ा ना, कह रहा 10 के 2 दे दो भाई। भाई नींबू और पुदीना बहुत महंगा यार, 10 के 2 कहाँ से मिल जाएगा यार। आज मिस्टर अरुण कुमार का तो मंगलवार का व्रत है, और डॉक्टर राज किशोर सिंह का एकादशी का व्रत है। उनका तो व्रत कल सुबह खुलेगा, अगले दिन खुलता है, और मंगलवार वाला व्रत आज शाम को खुलेगा। तो सब्जी वब्जी लेने के लिए चले, बैग लेगा कुछ, पहले सब्जी लाएंगे। आज कुछ खाने में स्पेशल बता रहे, क्या बनाओगे भाई। चलो गुरु जी, चलो देखें क्या खरीद के लाए। क्या लेना, आलू ले ले, तो ताजी हरी सब्जी है भाई साहब। वीडियो बना लो इस भाई का भी, खुश हो रहा सब्जी वाला मेरा। देखो गाजर है, अदरक है, भिंडी है, भिंडी है। टमाटर एक पाव ले लो, अब बना लेंगे, सुबह बना लेंगे। परवल ले ले एक पाव, देखो भाई बढ़िया सा, देखो हाँ सख्त सा, टाइट सा यार, हो गया। चलो भाई, आलू हो गया, परवल हो गया, टमाटर हो गया, और क्या लेना। नींबू है, अच्छा नींबू है, और क्या लेना भाई। धनिया और मिर्च रख दो थोड़ा, और पैसे बता दो भाई साहब। ये लो पैसे रख दो भाई, रख दी। ये भी रह गए, अरे एक आधी सब्जी रहेगी भाई, ये भी रखो। हम तो आधी ले गई, चल दिए थे, रख दी। चलो तो बैठे, जय हो। चलो भाई सब्जी खरीद के ले आए, अब खाना बनाएंगे, किचन में जाएंगे यहाँ से सीधा। और क्या बनाएंगे, आलू परवल शायद बनाएंगे, सुबह बनाएंगे आलू शिमला। चलिए दो सब्जियाँ लाए हैं, एक शिमला लाए हैं, एक परवल लाए हैं, देखते हैं शाम को कौन सी बनाई जाएगी पहले। तो खाना बनाने की तैयारी हो गई है फ्रेंड्स। ये काट लिया हमने परवल, परवल लाए थे, और साथ में काट लिया आलू। आलू परवल की सब्जी बनाई जाएगी, और बनाएंगे कढ़ाई में। चूल्हे की बात कर रहे थे, 2-3 दिन तक ध्यान नहीं दिया जा रहा था, इसमें गंदा हो गया था, आज तो चूल्हा भी साफ कर दिया। और टमाटर काट लिया, प्याज, प्याज नहीं काटेंगे, प्याज नहीं डालेंगे, प्याज नहीं डाला जाएगा। धनिया काट दिया, और क्या, बस तड़का लगाना है। तो अभी नहीं, बहुत देर लगेगा, उधर लगेगी जब तक तेल गर्म होगा। आलू को फ्राई नहीं करेंगे, परवल को केवल फ्राई कर रहे हैं, और परवल को फ्राई करके उसके बाद आलू को बिना फ्राई किए बाद में तड़का लगाया जाएगा सब्जी में, आलू और परवल में एक साथ। नमक, मिर्च, हल्दी, मसाला सब डाल लिया इसमें टमाटर के साथ, जो बाद में तड़का लगाने के साथ। और ये थोड़ा सा गोल्डी सब्जी मसाला भी डाल लिया इसमें हमने। नमक मिर्च मसाला सब हो गया इसमें, सब हो गया नमक मिर्च और मसाला का। पहले झारखंडी तेल कैसा हमारा, ये झाक दे रहा है इस बार, शायद अच्छा तेल नहीं दिया सरसों का। सरसों का है, तोड़िए का है, कि किसी और चीज़ का है तेल, क्या दे दिया वो कहाँ, तेज पत्ता, जीरा हो गया, और तेज पत्ता हो गया, पकेगा बढ़िया कर लेते।
ग्रेवी तैयार होगी, उसका मसाला बढ़िया। तो इसमें परवल और आलू, सब्जी बढ़िया से मिक्स कर दी जो हमने ग्रेवी बनाई थी। अब बस हल्की आंच पे पकाना है इसे, और तब तक मैं ये खीरा कस देता हूँ। कद्दूकस मैंने धो लिया, खीरे को भी धो लिया। खीरे को कस कर रायता बनाएंगे हम लोग। तो खीरे को धो के और इसका कड़वाहट निकाल के कस दिया कद्दूकस से, खीरा तैयार है अब रायते के लिए। थोड़ी सी दही लाए थे हम, दही ये है, इस दही में बनाया जाएगा रायता। एक पाव दही है ये। सब्जी में थोड़ा सा पानी मिला दिया था, थोड़ी सी पतली सी बनानी है क्योंकि पराठे लायक सब्जी थोड़ी रस वाली रहती है, रसीली सब्जी। ढक दीजिए, पक रही है धीरे धीरे, हाँ थोड़ी आँच कम करें, पानी धीरे धीरे जल जाएगा, सब्जी बढ़िया बन जाएगी, फिर बनेगा रायता। और इधर आटा गूंथ दिया मैंने बढ़िया। अब थोड़ी देर पके सब्जी, उसके बाद रोटी बनाएंगे, बाद में रायता बनाएंगे। सब्जी तो बनकर तैयार होगी, अब पराठे बनाएंगे। पहले तो तेल निकाल लिया कटोरी में और रोटियां बेलनी शुरू कर दूं मैं। रोटियां भी लगभग तैयार होगी, कुछ तो पराठे बनाए हमने क्योंकि सब्जी जो है पराठे वाली है, और कुछ बनाई हमने रोटियां, पराठे वाली सब्जी है। थोड़ी पानी डाला था लेकिन सूख गया वो, तो बड़ी बनेंगे पराठे से खाने में अच्छी रहेगी। और हमारे गुरु जी का व्रत है इसलिए उन्होंने पराठे बनाए। सब्जी बन गई, रोटियाँ बन गई, अब रायता बनाऊंगा। दही में मसाला डाल लिया, नमक डाल लिया, तो थोड़ा सा और पानी डाल के इसमें चला लूँगा। इधर तड़का तैयार करने लग रहे हैं, और ये है इसको पकाएंगे तड़के में। दस का डाल दिया, साबुत मिर्च डाल दी थी क्या? साबुत मिर्चों नहीं ठाया, दस का धनिया, हरा धनिया सब्जी में भी डाला जाएगा और रायते में भी डाला जाएगा। छौंक आए तो तगड़ा लगा दिया हमने, दस का डाल दिया, दस का बार बार, और खाना तैयार है हमारा। ये सब्जी है और कटोरों में हमने अपने रायता कर लिया, रोटियाँ मैंने रख दी अंदर चटाई के पास जहाँ बैठ कर खाऊंगी। गर्मी बहुत थी, इतनी गर्मी में अक्सर किचन में जाने का भी मन नहीं करता, लेकिन खाना हमने मन लगा कर बनाया। जितना मन लगा कर बनाया उतना ही स्वादिष्ट बन भी रहा। देख लिया खा के टूरिस्ट ने, बढ़िया खाना बन रहा, बढ़िया सब्जी और रायता होने की वजह से आज तो रोटियाँ बच गई। खाना खा लिया, सब्जी तो पूरी निपटा दी, रायता निपटा दिया और रोटियाँ बचा दी, क्योंकि खा नहीं पाए, गर्मी ज़्यादा हुआ है। गर्मी में रोटी कम ही खानी चाहिए, पानी वानी ज़्यादा पीना चाहिए, प्यास बहुत लगेगी। पेट के साथ खिलवाड़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। शाम का खाना वैसे भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिनर। अभी मच्छरदानियाँ लगकर तैयार है सुबह में, और मिलते हैं सुबह। हेलो फ्रेंड्स, बुधवार की सुबह में एक बार फिर से स्वागत है आपका अरविंद पाल व्लॉग्स में। तो आज फिर सुबह सुबह आया था मॉर्निंग वॉक पे और एक्सरसाइज वगैरह कर ली, पसीना खूब जम के बाहर जा रहा है इस टाइम। तो दीपक ने कहा था एक महीना लगेगा पेट घटाने में, एक महीने में काफ़ी आराम है, और यही महीना सही था मार्च और अप्रैल वाला। इसमें थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं तो पसीना खूब निकलता है, जिससे चर्बी और फैट वसा जो जमा हुआ है सब घटता है बड़ी तेज़ी से इस महीने में, क्योंकि सुबह के टाइम ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती और सर्दी भी नहीं होती, तो पसीना बढ़िया आता है रनिंग वगैरह जब करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक और बात, कई दिनों से कमेंट इतने सारे आ रहे, तो उनका जवाब देना तो बनता ही है। तो बात यह है कि आप लोग भाभी जी के वीडियो में कुछ दिनों से प्रीति को नहीं देख रहे हैं, और आपके सवाल हैं कि कोई बात हो गई है क्या। परिवार में छोटी मोटी बात कभी कभार हो जाती है, हम लोगों के भी हो गई है, शायद आप लोगों के परिवार में हो जाती होगी। तो बात क्या है ये तो वहाँ जाके ही पता लगेगा, क्योंकि फ़ोन पे ये सब बातें तो नहीं हो पाती।
भैया भाभी मेरे बहुत बढ़िया हैं। प्रीति भी बहुत अच्छी है, हो गई होगी किसी बात को लेकर, थोड़ा सा इशू है फैमिली वाला, घर जाएंगे तो सुलझा लेंगे सब। लेकिन बात क्या है, ये तो मुझे भी घर जा ही पता लगेगा, और घर जाने का भी टाइम आ गया है। हालांकि उस इशू की वजह से घर नहीं जा रहा, छुट्टी काफ़ी दिनों बाद मिलने का मौका मिला है, क्योंकि कल शायद अंबेडकर जयंती की छुट्टी रहेगी। दो उसमें भी डाउट है थोड़ा सा, पता नहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती स्कूल में मनाई जाएगी या फिर अवकाश रहेगा, उसमें भी डाउट है। तो क्लियर हो जाए कल की छुट्टी का, तो कल की छुट्टी रहे अगर, परसों गुड फ्राइडे है और फिर सैटरडे का एक सी ले लेंगे, फिर संडे आ जाएगा, तो बढ़िया मौका है घर जाने का, 3-4 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। और हो सके तो कुछ थोड़ा बहुत मेडिकल लीव लेके भी इस बार घर रहूँगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से घर ज़्यादा रुका नहीं हूँ, तो आज घर जाने का भी मौका मिल गया। कभी कभी ऐसा होता है कि गलती नहीं होती किसी की, तो गलत फहमियाँ हो जाती है बीच में, तो कुछ गलत फहमी होगी होगी, उसको ठीक कर लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।